दिस इज ह्यूज, दिस इज फकिंग वेरी ह्यूज, क्योंकि बात इधर हो रही है भाई एम्बापे की, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट, यंग टैलेंट भाई पूरे वर्ल्ड में, वन ऑफ द, क्या मेरे लिए तो टॉप पे भाई, मेरे लिए टॉप पे इस समय वो। तो भाई बहुत बड़ी न्यूज है, आग की तरह न्यूज फैल गई, क्योंकि बात इधर हो रही है एम्बापे की भाई, कंप्लीटली ब्रोकन भाई, जो भी रिलेशनशिप था बिटवीन पीएसजी एंड एम्बापे पूरी तरह से भाई बर्बाद हो चुका है, और अच्छी अच्छी सोर्सेस से न्यूज आई है भाई, और फैल रखी है आग की तरह फैल रखी है। तो भाई न्यूज ये है, पीएसजी उनका खत्म हो चुका है, एम्बापे को जनवरी में निकलना है। इतना बुरे हाल हो गए, इतने ज्यादा बुरे हाल हो गए, एम्बापे कह रहे हैं मुझे जनवरी में निकालो, मोस्ट प्रोबली नेक्स्ट समर में तो निकाल ही दो, और पीएसजी को ये बात पता है एंड दे आर ओपन टू सेल हिम। बात यहां तक है, यहां तक है, और ये अभी से नहीं हुआ कि एकदम से न्यूज फैल गई, नहीं, जब भी उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 2025 तक भाई, उसके दो महीने बाद ही पीएसजी को क्लियर था कि भाई इस बंदे को अब निकलना है, क्योंकि भाई जो पीएसजी ने प्रोमिसेस किए गए थे, फेक प्रोमिसेस किए गए थे, कैसे ना कैसे करके रुक जाए, वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं कर पा रही है। एम्बापे भाई टोटली वहां पे फेड अप हो चुका है, मेस्ड अप हो चुका है सीन, बट सीन और भी मेस्ड अप है अगर रियल मैड्रिड कैसे रिएक्ट करेगी भाई, अब देखना ये है, क्योंकि एम्बापे का क्लियर है मेरे को खेलना है रियल मैड्रिड की तरफ से ही, बट उतना ही क्लियर पीएसजी को भी है, दुनिया में कहीं जाना है जा, लिवरपूल जाना है जा लिवरपूल, और दे आर ओपन टू सेल हिम भाई, लिवरपूल आए और ले जाए, बट रियल मैड्रिड में नहीं जाने देगी पीएसजी, ये न्यूज आ रही है। जिस तरह भाई ब्रोक हो चुका है, ब्रोकन हो चुका है रिलेशनशिप बिटवीन एम्बापे एंड पीएसजी, उसी तरह भाई नासिर अल खलीफी एंड फ्लोरेंटिनो पेरिस, बहुत रीजन है, सुपर लीग का रीजन है, एम्बापे के ट्रांसफर के पीछे जो भाई लड़ाइयां हुई है, वॉर हुई है, वो सारे मिला मुलू के भाई पीएसजी नहीं चाहती एम्बापे वहां निकले, बट भाई जब प्लेयर को आना है, जब प्लेयर को खेलना है, तो देखते हैं क्या होगा भाई। अगेन टिक टैक टो शुरू हो चुका है, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं भाई जस्ट टू अपडेट यू गाइस भाई, तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता क्या है इस ट्रांस, जो भी होगा एम्बापे के साथ, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरे को ये देखना है अब रियल मैड्रिड रिएक्ट कैसे करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही थी पेरेज नहीं चाहता एम्बापे को लाए, नया प्रोजेक्ट पे काम करेगा, क्योंकि 2025 तक अगर वो वहां रुकेगा तब तक तो रियल मैड्रिड कोई और साइन कर लेगी, बट अब ये केस नहीं है, तो अब ये देखना है रियल मैड्रिड पेरेज क्या करते हैं, क्योंकि मीटिंग हुई थी उसमें पेरेज ने क्लियरली बता दिया था दरवाजे किसी के लिए भी बंद नहीं किए गए भाई। तो देखते हैं भाई क्या होगा। यू गाइस भाई कमेंट सेक्शन भाई, आप लोग जो भी मैड्रिड फैन है, क्या चाहते हो मैड्रिड में आए या फिर नहीं आए, क्योंकि अब सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो चुका है, कंप्लीटली सिनेरियो चेंज है भाई। आप चाहते हो तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, नहीं चाहते हो तब भी बताना, क्योंकि भाई रियलाइज हो चुका है एम्बापे को, रियलाइज हो चुका है भाई उसने बहुत बड़ी गलती करी उनके साथ रिन्यू करके, कुछ भी रीजन हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनानी थी, अपडेट करना था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग क्या चाहते हो विद एम्बापे भाई आए या फिर ना आए। थैंक यू।